Assalamualaikum, Eid Mubarak. Eid Mubarak. आपका बंदर कहाँ है? मेरे पास तो कोई बंदर नहीं है भाई. तो आप क्या सिर्फ बकरे का तमाशा दिखाते हैं? हैं? नहीं भाई नहीं. हमारे बच्चे तो सिर्फ बंदर का तमाशा देखकर खुश होते हैं. ओ भाई मैं कोई मदारी वदारी नहीं हूँ. तो भाई फिर कौन हो? ये ले मेरा कार. अजमल कसाब MCCPDO. ये क्या है? मैं आपको बकरा बेचने आया हूँ भाई. हमें बेचने? हाँ भाई, मुझे पता चला इस मोहल्ले में वाहिद आप लोगों का घर है जहाँ कुर्बानी नहीं हुई. यार महमूद साहब, मैंने आपसे कहा था कि अपनी कलाई काट कर थोड़ा सा खून दरवाजे पर बहा दे, लेकिन आपने कहा सुननी है मेरी, जलील करवा दिया है. बकरा हमारे घर आया था मगर पुलिस पकड़ कर ले गई. ऐसा क्या जुर्म किया था उसने? नशा करता था जी, जुआ कराता पकड़ा गया है. आप छोड़े, आप अपनी बताए जी. ये बकरा रखे भाई? नहीं नहीं भाई, हमें बकरा नहीं चाहिए यार. ये कोई मामूली बकरा नहीं है. अरे ये क्या मुंह से आग निकालता है? मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है. ये किस्मत का हाल बताता है, सितारों की चाल बताता है. महमूद साहब, ये आदमी हमें बकरा बना रहा है. आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ओ भाई ये बकरा बोल भी सकता है. क्या? हाँ. बुलाकर दिखाएं. किसको? बकरे को भाई. अरे बकरा तो ये रहा, बुलाने की क्या जरूरत है? अबे भाई इससे कुछ बुलवा के दिखाओ हमें. अभी ले बेटा, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? अरे नबील, एक सेकंड महमूद साहब, एक सेकंड. और कुछ बुलवा. जून से पहले कौन सा महीना आता है? अरे वाह, ये तो वाकई बोलता है. महमूद साहब एक सेकंड, कुछ और बुलवा भाई, और बुलवा. चलो ठीक है, चल मेरे सलमान खान, अब जल्दी से ये बता कि हम दोनों में से बकरा कौन है. अब तो यकीन आ गया ना आप लोगों को? नबील, इस बकरे में तो हम टिकट लगा सकते हैं. हाँ यार, इसकी कीमत तो वैसे ही वसूल हो जाएगी. चले भाई, बांधना कहाँ है इसे ये बता दें. अब वो अरे लॉन से अच्छी कौन सी जगह होगी, वही बांध देते हैं. भाई ओ भाई ओ भाई ओ, मेरी ओ बात तो भाई, बकरा तो बांधने दे, बातें सुनने के लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है. हाय हाय हाय, मेरा बैल आ गया, मेरा बैल आ गया. ओ माँ जी, आपका बैल ये है, ये बकरा है. मोमो, ये हमारा बकरा नहीं है. हाँ? ओ नहीं जी, आप ही का बकरा है. आप इसे प्यार करें, घुमाएं फिराएं, बड़ा फ्रेंडली बकरा है. ओ, लेकिन भाई हमने तो पैसे नहीं दिए. पैसों की बात की मैंने अब तक आपसे? नहीं. तो चले फिर अंदर बैठ के आराम से पैसों की बात कर लेते हैं. ये बकरा आ जाए माँ जी, ख्याल से. माँ जी ख्याल से. माँ जी किसका बकरा है? पुत्र ये हमारा बकरा है. आयशा बशी. ओके, ठीक मुबारक. आप कौन है? मेरे लिए जूस लेकर आओ. एक्सक्यूज मी, शट अप. मुझे कह रही है, मुझे कह रही है. बैठे 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 बैठ कर पैसों की बात करते हैं. देखो मेरे प्यारे भाई, हमारे पास कुर्बानी के पैसे नहीं है. ओ बस इतनी सी बात है? हैं? देखें, हमारे पास आप जैसे गरीब लोगों के लिए 4-5 ऑफर्स हैं. माँ जी वो क्या? जानदार नहीं. शानदार नहीं. ईमानदार. ओ माँ जी यार छोड़े, आप बताओ यार आपके पास कौन कौन सी ऑफर्स हैं? भाई पहली ऑफर तो ये है, अगर आपके पास बकरा खरीदने के पैसे नहीं हैं तो पैसे अरेंज करें. अरे घबराए मत, मेरे पास दूसरी ऑफर भी है. वो क्या? बोलो बोलो बोलो. भाई बकरा एक दिन के लिए आप अपने पास रखें, उसे खिलाएं, उसे पिलाएं, अगले दिन उसे ज़िबा करें, सारा गोश्त और खाल हमें वापस कर दें, सिर्फ 5,000 रुपए में. भाई ये कैसी नुकसानदेह ऑफर है यार. अरे यार आप लोगों को तो कुर्बानी करनी ना, 5,000 रुपए में कुर्बानी हो जाएगी, और आप लोगों को क्या चाहिए? भाई कोई और ऑफर है तो बताओ, वरना अपना बकरा लेकर जाओ. भाई मेरे पास एक आखिरी ऑफर है. जल्दी बता दस. आप सोना देकर बकरा ले लें? भाई नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी. ओ माँ जी ये गोल्ड की बात कर रहे हैं. हाँ हाँ, कोई भी चीज, चूड़ी कड़ा ब्रेसलेट कुछ भी. भाई आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि आपको ऐसा बकरा मिल रहा है. मैंने अपना कार्ड दे दिया आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, मैं बकरों का इलाज भी करता हूँ और उन्हें ज़िबा भी करता हूँ. ऐसी बोटियां बनाता हूँ कि मत पूछें. आप कसाई भी हैं? नहीं जी, मैंने बकरोलॉजी में PhD किया हुआ है. बकरोलॉजी में PhD? हाँ. हाय मेरी पुत्र, फोन पे खेल खेल के थक गई माशद के. मैं तेरे हाथ दबाऊं कि नहीं, उंगली तेरी थक गई होगी मेरी बेबी.
माँ जी। ओ यार तुमने बड़ा तेज नाक रखा हुआ है। ये बकरे के खुर साफ करता है। अरे पुत्र अब हट नस जा। नस नस नस। माँ जी मेरे कड़े वापस करें। हाय वो तो बकरे वाला ले गया। माँ जी आपने मेरे कड़े क्यों चुराए हैं? चुरा? तुझे तो शुक्र करना चाहिए किसी काम तो आई तू। नबील वो मेरे फेवरेट कड़े थे। जानू यही तो कुर्बानी होती है, अपनी सबसे अजीज करीबी चीज जो है उसको कुर्बान करना। क्या? हाँ जानू अब तुम्हें देखना कितना सवाब मिलेगा, ये कुर्बानी तुम्हारी तरफ से होगी। क्यों महमूद साहब? हाँ भाई और कड़ों का क्या है, वो तो कोई भी चोर डाकू जाए वो गन पॉइंट पे ले जा सकता है। देखा बच्चू कितना नेक काम हुआ है मेरे हाथों। थैंक यू बोल अब तू मुझे। हाँ चलो नबील शुक्र है बकरा तो आया ना। हाँ महमूद साहब अब हम सब कल तक बारी बारी उसकी खिदमत करेंगे। ये जो कल तक हम उसकी करेंगे वो खिदमत होगी। हाँ जी होशे। अच्छा जी अरे मोमो बस कर दो, इस मासूम को इतना मत खिलाओ इसका पेट खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा जी, वैसे भी हमने इसको कल कुर्बान करना है, टाइम बड़ा थोड़ा है, जितना खाएगा उतना गोश्त निकलेना। वैसे नबील तुम लोगों ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, चोरी करके कुर्बानी करने का कोई फायदा नहीं है। कैसी घटिया बातें कर रही हो खूबसूरत, मेरी माँ ने कोई चोरी नहीं की बल्कि दलेरों की तरह दिन दहाड़े दंदलाते हुए तुम्हारे हाथों से कड़े उतार कर उस शख्स को दिए हैं, और तुम्हें तो मेरी माँ को अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी बहादुरी पर। शट अप नबील। ओके जानू। यार नबील ये तुम्हारी माँ तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। क्यों महमूद साहब क्या हुआ? अरे पिछले दो घंटे से बकरे को चारा खिलाए जा रही है खिलाए जा रही है खिलाए जा रही है। यार महमूद साहब उन्हें मना करे, अगर बकरा बीमार हो गया तो कल कुर्बानी कैसे करेंगे यार? महमूद साहब भाई बकरी की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ उसे? लूज मोशन। अरे मैंने मोमो को मना भी किया था कि इतना मत खिलाओ बकरे को, अब ईद के दूसरे रोज डॉक्टर कहाँ से मिलेगा। उजार महमूद साहब वो अजमल कसाब को फोन करें ना, उसे बुला लेते हैं। हाँ क्या हुआ भाई? बकरे की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। क्या मतलब? ये बकरा कभी भी मर सकता है। हाँ हाँ आप लोग इसे जल्दी से ज़िबा करवा ले, खाली बर्तन ले आए, मैं डिस्काउंट कर देता हूँ। तो भाई तूने क्या इसके सर पे बर्तन मार के इसको ज़िबा करने है? नहीं जी बर्तन तो मैं गोश्त अलग करने के लिए मंगवा रहा हूँ, छुरी होगी ना आप लोगों के पास? खबरदार जो तूने मेरे बच्चे को हाथ लगाया होता। अरे ये सोने की नहीं बकरे की बात कर रहा है। मैं इसे ज़िबा होने नहीं दूंगी। हाँ और माँ जी कल भी तो कुर्बानी करनी है ना यार, आज ही कर लेते हैं। और नहीं मैं बीमार बकरे का गोश्त नहीं खाऊंगी स्लीम। माँ जी इससे पहले कि ये बीमार हो के मर जाए कुर्बानी कर देते हैं ना यार। और तू चुप कर हमारा अफशा, इसको कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी अपने चीते को बाहर की हवा खिला के लाती हूँ ना, बिल्कुल ठीक हो जाए ना इसने। अरे माँ जी चुप कर, परे हट। माँ जी तो अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ, कल आऊंगा। अरे कल क्यों? अरे भूल गए बकरा भी तो ज़िबा करवाना है, और ये बकरा मेरे अलावा किसी से ज़िबा नहीं होगा। ओ चलो भाई चल चल। आप मुझे डॉक्टर माने या ना माने कसाई मैं एकदम पक्का हूँ। अबे चल अभी तो निकल यहाँ से। चल यार चल यार चल यार चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी। मेरा ख्याल है महमूद साहब कि कल फजर के फौरन बाद कुर्बानी कर देते हैं। हाँ और मैं मोमो से कहूंगा कि कलेजी बनाए। जानू तुम एक काम करना, तुम दोपहर के खाने में पुलाव बना लेना। मैं कुछ नहीं बनाऊंगी नबील, कान खोल के सुन लो। लेकिन क्यों जानू? भाई एक तो मैंने अपने सोने के कंगन कुर्बान किए हैं, ऊपर से खाना भी मैं ही बनाऊं। हाँ यार नबील ये तो ज्यादती है। ठीक है फिर पुलाव महमूद साहब बना लेंगे। हाँ महमूद साहब आपसे भी कोई ईद वाले दिन काम लेना है ना। अब और हम पाए कब बनवाएंगे? मेरे ख्याल में पाए जो है ना वो परसों रात बनवाते हैं यार। हाँ ये भी ठीक है। यार नबील ये माँ जी का रास्ता तो नहीं भूल गई? ओ जानू माँ जी का रास्ता भूल भी जाए लेकिन बकरे को तो याद होगा ना। क्या? हाँ आजा, देखा ना बिल्कुल ठीक हो गया, इतना चला के लाई हूँ बिल्कुल हल्का हो गया,
ऐसा लग रहा है मैंने रस्सी पकड़ी हुई है खाली। जी आपने खाली रस्सी ही पकड़ी हुई है। है मेरा चश्मा। ओ माँ जी, आपका चश्मा आपके मुंह पे लगा हुआ है यार। तो फिर मुझे बकरा क्यों नहीं नजर आ रहा? इसलिए कि बकरा गायब है मोमो। हाय मेरा बकरा चोरी हो गया है। माँ जी चोरी नहीं हुआ, आप कहीं भूल कर आ गई हैं यार। हाय तो अब मैं उसे ढूंढूंगी कैसे रजवान जदी, मेरे पास तो उसकी कोई निशानी भी नहीं है। ओ यार महमूद साहब चले यार, चल के गली में देखते हैं यार।